गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाय अमरतन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले भाई जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज जयंती, जय मराठा, आमी मराठी, आमी महाराष्ट्र, आमी मुंबई, आमी लाइक। सबसे पहली बात, शिवाजी जयंती है तो सबको ही भैया मुबारकबाद, मतलब सबको ही हार्दिक शुभेच्छा उस चीज की। और छुट्टी हम लोग को, तो इसलिए आज ये वीडियो देखो बना रहा हूँ। बहुत लोगों का एक डाउट है कि कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। कोलकाता में वैकेंसी नहीं थी, मुंबई बजा दी पूरी तरीके से, मुंबई की भी। अब जो दिख रहा है वो दिख रहा है उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, ये दिख रहे भाई बड़े बड़े राज्य में अच्छी अच्छी वैकेंसी आई है और यहाँ पे हिंदी चलती है। और इनफैक्ट झूठ नहीं बोलूंगा यार, मैं खुद मतलब सोच रहा हूं कि मैं मुंबई से अप्लाई करूं या मैं नागपुर से करूं, क्योंकि यार नागपुर में कैसा है कि आई गेस हिंदी और मराठी दोनों चलती है, क्योंकि विदर्भ में आता है। मुंबई में प्रॉपर मराठी चाहिए, मराठी या कोंकणी भाषा चाहिए। तो मेरे को खुद डर लग रहा है कि मराठी करूं, मैं अप्लाई करूं मुंबई से या नहीं करूं। कभी कभी मेरे मन कर रहा है भाई मैं भी ऐसी बड़े स्टेट यूपी से अप्लाई कर दूं, क्योंकि भाई वैकेंसी सबको ही दिख रही है, हमको भी दिख रही है। मतलब मेन पंगा ये है ना कि आपको नहीं पता कि इस साल का एग्जाम कैसा होगा, इस साल कैसे बच्चे अपियर होंगे। क्योंकि इस साल ना भाई 2019 में मुंबई 419 वैकेंसी थी, उस टाइम पे 87.25 कट ऑफ गया था। एक मिनट, 87.25 कट ऑफ गया था जब 419 वैकेंसी थी। अभी 128 वैकेंसीज है जहां पे ओबीसी कुछ नहीं है, एससी कुछ नहीं है, सिर्फ ओपन और एसटी की वैकेंसीज है। तो मुझे नहीं पता, कट ऑफ जा भी सकता है, कम और हाई भी हो सकता है। तो थोड़ा अपने फैमिली से बात करो, उनसे पूछो कि क्या करना है, क्योंकि एट दी एंड आपने फॉर्म फिलअप करना है, आपने वो जॉब लेनी है, आपको वो एलपीटी को क्लियर करना है। और मराठी ये नहीं बोलूंगा इजी लैंग्वेज है, बट मराठी इतनी हार्ड भी नहीं, तो सीख सकते हो अगर सीखने की इच्छा हो। भाई मैं खुद मराठी में बोर्ड में फेल होता तो बचाऊ, तो बस हम सोच लो भाई कैसी मराठी होती है, बाकी आप लोग की चॉइस है। बहुत लोग मुझे अभी पूछ रहे भाई कि कौन सी मॉक टेस्ट देनी चाहिए, किस लेवल की मॉक टेस्ट, या 96, 97.25 कट ऑफ जा रहा है तो आपको लगता है पेपर हार्ड आ रहा होगा या पेपर मॉडरेट आ रहा होगा, आप कौन सोच के बताओ मुझे। तो इसके लिए आप सोचोगे कि हाई लेवल मॉक टेस्ट देंगे, हाई लेवल देंगे तो हमारा इजी बहुत बढ़िया। भाई हाई लेवल दोगे नो डाउट, मगर स्पीड उसका क्या करोगे? हाई होगा तो टाइम लगेगा ना, और इजी होगा तो टाइम कम लगेगा। तो भाई स्पीड को मैच कैसे करोगे? और यहां तो साला ऐसा है कि स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टेस्ट बुक काफी अच्छी मॉक टेस्ट है। यदि मैं बात करूं आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम को लेके, बहुत बढ़िया है। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट उनकी इजी रहती है, एग्जाम लेवल रहती है। तो मेरे हिसाब से उनकी फ्री मॉक टेस्ट आई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कहने पे आप लोग वो मॉक टेस्ट एक बार ट्राई करके देखो, यदि आपको लगे कि हाँ भाई ऑलमोस्ट एग्जाम लेवल लग रही है लास्ट ईयर एनएसएस के समान, तो आप परचेस करो। और यदि परचेस करना है तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड ऐड कर लो नितिन, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लास्ट चीज बोलूंगा, इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस करो अपने कम से कम दो सेक्शन एकदम मतलब तगड़े चाहिए, मतलब 35 में से 35 चाहिए चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में, क्योंकि इस साल ना पूरा मामला ना एकदम घुसा पड़ा है, मतलब कि कुछ बोल नहीं सकते। तो इस साल ऐसा नहीं होगा कि भैया मैं मैथ्स में 30 मार दूंगा, रीजनिंग में 35 मार दूंगा, इंग्लिश में तो भाई मैं 30 में 30 मारूंगा, मतलब मुझे पता नहीं है, 5 से 7 गलत भी हो सकते। इस बार ये मैटर नहीं होना चाहिए। हाँ एक चीज और है, आरबीआई में नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से होता है, बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मेन चीज फोकस रखो एक्यूरेसी के ऊपर, अटेम्प्ट के ऊपर और स्पीड। और हाई लेवल मॉक टेस्ट मत ही दो तो बेटर है, बाकी यार तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि पेपर इजी आने वाला है तो हाई लेवल मत दो। बाकी वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं, जय श्री राम, राम राम, जय महाराष्ट्र।